नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है, और इस वजह से ताकि आप सभी लोग अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकें, तंदुरुस्त रख सकें अपने आप को। क्या कुछ आपको खान पान में शामिल करना है और क्या कुछ हमें अपने रहन सहन में सुधार लाना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और चूँकि इस कार्यक्रम की विशेषता है कि हम आप तक जागरूकता लेकर आते हैं, आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने शरीर के प्रति सचेत रहें। अक्सर छोटे छोटे रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान इसलिए भी नहीं देते क्योंकि या तो हम ध्यान देना नहीं चाहते हैं, या वो जो शुरुआती दौर की जो तकलीफ़ें हैं वो इस तरह से हमें परेशान नहीं करती कि हमारा उस तरफ ध्यान जाए। लेकिन वही छोटी छोटी समस्याएं जब समय बढ़ते बढ़ते जब वो विकराल रूप ले लेती हैं, तब कहीं जाकर हम परेशान होते हैं और फिर शुरू होता है इलाज का एक लंबा चक्र। तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकें, इसके लिए आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में कुछ जानकारियाँ आपसे संबंधित होती हैं, कुछ जानकारी आपकी सेहत से संबंधित होती है और कुछ जानकारी जनरल होती है यानी सामान्य होती है। जैसे कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिनको आप रोगों के लिए प्रयोग में लाएं, कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिनको आप नियमित तौर पर अपनी दिनचर्या में लेकर आते हैं, शामिल करते हैं तो आपको रोग नहीं होते हैं। दिनचर्या का मतलब आपका भोजन, आपका उठना, आपका रहन सहन, आपके जो और क्रियाकलाप हैं उनके सही तरीके क्या होने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी ढिलाई कर जाते हैं जिसमें हम अपने शरीर को समय दे ही नहीं पाते हैं, सिर्फ काम काम और काम, आराम करने का भी हम अपने शरीर को समय नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा सीधे सीधे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को होता है। यही नहीं, सब चीज़ों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको अक्सर काम चोरी के नाम से ऐसा उपाधि दी जाती है कि काम चोर हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं, काम से जी चुराते हैं। काम करने के लिए काम करना उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ कोई उनके सर पर रख दिया हो, इतना ज़्यादा एक तरह से ढिलाई करते हैं काम में। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्या ये एक मानसिकता पर निर्भर करती है या शारीरिक कोई बीमारी के तौर पर इंगित करती है, क्या है आपके दृष्टि में काम चोरी का विषय? देखिए, गलत खान पान जी और गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना, ये आलस का घर है। बिल्कुल। यदि आपने सही जिंदगी जीनी है तो रात 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ के योग जरूर करना चाहिए, तो आपके शरीर में आलस कभी नहीं आएगा। परंतु आप रात को सो रहे हैं 12, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे और सुबह उठ रहे हैं आप 8, 9 या 10 बजे। अब जिसमें सुबह हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है वो तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल। इससे हमारे फेफड़ों पे असर पड़ता है, फेफड़ों का असर दिल पे पड़ता है, दिल का असर पूरे शरीर में पड़ता है, फिर दिन प्रतिदिन उसको आलस शरीर में इतना हो जाता है कि पानी पीने के लिए भी सोचता है कि दूसरा आदमी मेरे मुंह में गिलास लगाए। बिल्कुल। अपने हाथ में इतनी भी ताकत नहीं है कि गिलास उठा के पानी पी लें।
और ऐसे महीने में 4 से 5 मरीज मेरे पास आते आते हैं, और कभी कभी तो 15-20 भी हो जाते हैं महीने के। तो ऐसे तो दवाइयाँ यहाँ से दी जाती हैं, परंतु सबसे बड़ी जो दवाई है वह है गेहूँ के या जौ के ज्वारे। ज्वारे उसको बोलते हैं जो गेहूँ या जौ हम उगाते हैं परंतु छाए में धूप में नहीं। और जब उगने के बाद 4 या 5 दिन हो जाते हैं तो इनकी लंबाई चली जाती है करीब 8 से 10 इंच। छाया में बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं ये, और जब 8 से 10 इंच इनकी लंबाई हो गई है तो आप उसमें से 40 पेड़ निकाल लें जड़ों से, और 40 पेड़ निकाल के पानी से धो के इसकी जड़ें काट दें। अब इसको सिल बट्टे पे आप चटनी की भांति पीस लें। आप पीस करके आप 100 ग्राम पानी के अंदर इसको घोल के छान लें। अब ये हो गया ज्वारे का जूस। अब इस 100 ग्राम को पीने में आपने 20 मिनट से आधे घंटे के बीच का टाइम लगाना। छोटे छोटे घूंट सिप सिप करके बड़े आराम आराम से पीने, जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। तो इससे नसों के अंदर ताकत आती है, सांस की नाली फेफड़े के अंदर जो किसी किस्म का भी थोड़ा सा भी बलगम का टुकड़ा तो ऐसे पीसा जाता है जैसे नाज के साथ घुन पीसा जाता है, और लीवर साफ होगा, खून अच्छा बनेगा, तो पैंक्री से इंसुलिन बनके जो शुद्ध खून दिल को मिलेगा वो शरीर में चुस्ती लाता है, सुस्ती नहीं लाता। अब इस क्रिया को यदि हम करते हैं तो जिसको बिल्कुल काम चोर कहते हो 20 दिन में अपने आप उठ के काम पे लग जाता है। उससे बैठना पसंद नहीं है, उसको काम करना पसंद है। परंतु एक बात को बड़ी ध्यान से सुनना कि जिनके पास जमीन है और पेड़ पौधे हो तो उसके नीचे उगा लेंगे, गेहूँ उगाएं चाहे जौ उगाएं। परंतु जिनके घर शहरों में, जिनके पास जमीन है, उनको कैसे उगाना है, तो उसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आप उसमें उगा सकते हैं। आप जो अब नवरात्र चले इसमें खेती उगाते हैं, आप छोटे छोटे तौले लेके, ऐसे में आप रेते के अंदर गोबर की खाद मिला के और उसमें नमी रखनी है, ज़्यादा तर नहीं करना, 12 गमले ऐसे बना लें, और एक गमले में 100 दाने हर रोज बीजने हैं। जो आज बीजेंगे वो 8 से 10 दिन निकालने पड़ेंगे। ऐसे हर रोज एक गमला बीजते जाएं, 4 से 5 दिन के बाद जौ हैं तो बाहर आ जाते हैं, गेहूँ है तो 5वें से 6 दिन आती है। अब इसमें 2 दिन जब उगे हो जाए तो उसमें पानी की बिल्कुल थोड़ी सी फुहार दी जाती है जिससे ऊपर से मिट्टी मुलायम रहे। और ये ज्वारे बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जौ के ज्वारे तो 10 दिन में तैयार हो जाते हैं, गेहूं के 12 से 14 दिन लग जाते हैं। अब इसमें से चाहे आपने गेहूं के उगाए चाहे जौ के उगाए हैं, एक टाइम में 40 पेड़ से ज़्यादा नहीं लेने। अब इनको निकाल करके सुबह शाम 40-40 पेड़ों का रस आप पीते हैं,
सौ के सौ दाने पूरे उगते नहीं है, बाकी जो बच गए इन दानों को घास को निकाल के चाहे आप किसी जानवर को खिला दें, चाहे धूप में सुखा के उसकी खाद बना दें। अब जिस गमले के अंदर से आपने खाली कर दिया उसको दो दिन धूप लगवानी है, फिर तीसरे दिन उस मिट्टी में पानी मिला के दोबारा गेहूं या जाओ आपने बीजने, ये नियम से आप बीजते जाएं। इसी करके मैंने आपको 12 गमले बताए। हर दसवें दिन पहले दिन का गमला तैयार हो जाता है और इस प्रकार से एक महीना जब आप पी लेंगे तो आदमी के चेहरे पे भी रौनक आएगी और काम में भी वो ऐसे लगेगा जैसे एक दिहाड़ी मजदूर जी तोड़ के मेहनत करता है, ऐसे मेहनत करेगा और खाने में पीने में काम करने में अब आलस नहीं करेगा, अब काम चोर नहीं कहलाएगा, अब धक्कड़ कर्मचारी कहलाएगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि चाय कॉफ़ी मीट अंडा मछली आर्टिफिशियल चीज़ें इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपको इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। वैष्णो खाना, हल्के से हल्का खाना, ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाने के आटे को भी जिसको लेना है उसकी चोकर निकाल के फेंकनी नहीं, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा, हरी छिलकेदार सब्जियां जो हैं नरम छिलके वाली छिलके के साथ लेनी है, और दिन का खाना सूर्य उदय होने के एक घंटे से लेके 10 बजे के बीच में खाना अति आवश्यक है, और खाना खाते समय दो गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और खाना ताज़ा ताज़ा, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, और जितना आप इसको मसल करके तरीदार सब्जी से खाएंगे उतना आपको लाभ ज़्यादा होगा। आप दिन का खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर वज्रासन से उठ करके 10 से 15 मिनट आप सैर करें, फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, उसके बाद 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। अब उठ करके आप काम पे लगेंगे, आपके शरीर में अंदर इतनी चुस्ती होगी जैसे 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके आप उठे तो काम पे लगेंगे, आपको काम में थकावट नहीं होगी। बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी इनको, आने जाने में कहीं नहीं आते जाते थे। बच्चे लोग बहुत डर गए थे कि पापा तुमको क्या हो गया, मगर गुरुजी का भी सख्त विचार देख के हम यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में आए हैं, दिखाए तो बहुत इनको आराम मिला है। मेरा नाम मरियम शरीफ है और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया, अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और जो हमारे एक पड़ोसी है उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता, फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है उन्होंने वो किया है तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला आगे शुरू रखेंगे। पन्ना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं अमरचंद जी, और अमरचंद जी पन्ना जिले से बात कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ समय से इनको ऐसा महसूस होता है और ऐसा होता है इनके साथ, थोड़ा सा बैठ जाते हैं हल्का सा या लेट जाते हैं तो पैरों में इनके झंझनाहट शुरू हो जाती है, जैसे खून जम जाता है उसके बाद चींटियां दौड़ती हैं, इस तरीके की झंझनाहट इनके अक्सर बन जाती है। देखिए मैं नाड़ी वैद हूँ, मैं आपको मनगढ़ंत इलाज कोई नहीं कर सकता ना कोई बता सकता हूँ,
यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चोसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी कमियां आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयां दी जाएंगी। दवाइयां खाने की हैं, दवाइयां पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयां हैं। जब इन दवाइयों को खाएंगे और इस तेल की मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराएंगे तो उसी दिन आपके इस रोग में कम से कम 15% की कमी जरूर आएगी। 15 दिन की दवाई से जो नियम बताए जाएंगे करेंगे तो आपको 60 से 70% का परिवर्तन आएगा। 1 महीने में इस रोग का नामोनिशान नहीं रहेगा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता ना, मैं किसी दूसरी फार्मेसी की दवाई बेचता, मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मैं उतनी दवाई बनाता हूँ जितनी मैंने रोगियों को देनी है। मेरी मार्केट में किसी के पास कोई दवाई नहीं मिलती। आज मैंने पूरे संसार से एक ही वायदा किया है कि जो अपना रोग का उपचार करा के थक चुका है, रोग में राहत नहीं मिलती, रोग बढ़ता जा रहा है, उस रोगी को बुधवार छोड़कर गुरुवार के बीच में मेरे आश्रम में आता है और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी उसके अंदर कमी पाई जाएगी उसको बताई जाएगी। उसके बाद उसको दवाइयाँ दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी और उसको बता दिया जाएगा कि बाहर परहेज लिखे हैं, यदि परहेज आपके बस के दवाई लीजिए, परहेज बस के नहीं है दवाई मत लेना। परहेज करेंगे तो दवाई अमृत के समान है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है। देसी दवाइयों की विशेषता है कि हर एक रोग को जड़ से काटती हैं और जो ईमानदारी से दवाई खाता उसको 1 महीने से फालतू तो किसी को दवाई खानी नहीं पड़ती, परंतु जो जीव के ज़्यादा चुटकोरे उनको 2-2, 2.5-2.5 महीने भी दवाई देनी पड़ती है जी। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना है। और फिलहाल हमारे साथ दर्शक एक और जुड़ गए हैं, लाइन पर आइए, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, सुन रही हूँ मैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। अफसाना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? जी बच्चे का बुखार नहीं उतर पाता, मेरे बच्चे को बुखार रहता है बार 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 और बहुत इलाज कर दिया पर बुखार नहीं उतर पाता। जी देखो बेटा, बुखार आने का एक कारण ही इसके नेक कारण होते हैं। मेडिकल साइंस में तो बुखार को दबाने के लिए एक ने सैकड़ों दवाइयाँ बनाई हैं, परंतु वो रोग को दबाती हैं, रोग को काटती नहीं है। जब तक आपके खून के अंदर का इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा आपका बुखार नहीं उतरेगा। थोड़ी देर के लिए दब जाएगा फिर आ जाएगा। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है, बुखार से मुक्ति पानी है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेते हैं और परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन से आपका बुखार दिन दोगुने रातें चौगुनी कम होना शुरू हो जाएगा
और हफ्ते में बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में बताए गए तमाम नुस्खे जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मीनू सिंह जी हैं, कैंसर पेशेंट के लिए पूछ रहे हैं। ज़ुबान यानी जीभ का कैंसर हो चुका है, 2 साल पहले हुआ था, एक बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन कुछ समय तक ठीक रहा, घाव तो था, लेकिन अब उसी घाव को फिर से वो कैंसर में तब्दील हो गया है, तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों? देखिए, कैंसर क्या किसी भी रोग की दवाई आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, क्योंकि ये होते हैं सारे केमिकल, कोबरे सांप के जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूरा, जिससे इसको सुन करते हैं आँख को जहाँ तकलीफ है, और कीमो करके उसको खून को जलाते हैं। ये कैंसर का इलाज नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना ही उसका कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार ना होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ACG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकेंड में हो जाते हैं, उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे ही रोगी इसको खाता है तो खाने के 10 सेकेंड में अपना असर दिखा देती हैं, फिर उसके बाद जो आपके मुँह के अंदर छाला है, जख्म है, कोई भी चीज़ है, उसमें रुई के साथ शहद रखा जाएगा। पहले शहद रखने के बाद आपको काफ़ी शांति मिलेगी, फिर उसके बाद दूसरी दवाइयाँ वो भी लगाई जाएंगी। यदि आप नियम से दवाई लेंगे, परहेज करेंगे, तो महीने 1.5 महीने में चाहे आपका कैंसर 90% तक बढ़ चुका है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु होगा तभी जब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराओगे और बताए गए परहेजों को निभाएंगे, दवाई नियम से खाएंगे तो लाभ होगा। यदि परहेज नहीं करेंगे, नियम नहीं निभाएंगे, तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो तमाम नुस्खे बताए जाते हैं, उपचार बताए जाते हैं, इनको आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। और इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और इन कार्यक्रमों में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, यानी हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।